मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। UP SSC ने रिवाइज आंसर की जारी की है। किस किस की भाई? स्टेनोग्राफर की, जूनियर असिस्टेंट की और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की, तीनों की ही रिवाइज आंसर की जारी कर दी है यहाँ पर UP SSC ने। रिवाइज आंसर की आने के बाद कितने क्वेश्चनों को बोर्ड ने माना है इनवैलिड, हम इस बात को भी देखेंगे और साथ साथ सभी आंसर की जो आप डाउनलोड कर सकते हैं मेन वेबसाइट से जाके, बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं UP SSC की मेन वेबसाइट पर जाएं और वहां पर आपको रिवाइज आंसर की मिल जाएगी, तीनों की ही, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, तीनों की ही आंसर की आपको वहां पर रिवाइज आंसर की मिल जाएगी। चलिए देखते हैं, ये एक उत्तर एक प्रदेश आंसर सरकार ने को सेवा चयन बोर्ड की साइट से लिया गया PDF है और यहाँ पर ये जो आंसर की है ये है, आप देख सकते हैं, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2018 की रिवाइज आंसर की है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनवैलिड क्वेश्चनों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन को इन्होंने इनवैलिड माना है, अलग अलग साइट में, सभी साइटों में इन्होंने एक ही क्वेश्चन को इस वाले परीक्षा में माना है इनवैलिड। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है इनवैलिड। अगर दूसरी आंसर की तरफ चलें हम, तो दूसरी में देखना होगा कितने क्वेश्चनों को भाई, बोर्ड आप ने ये माना दूसरी है आंसर इनवैलिड। की लेकर आए हैं और ये है इस बार कनिष्ठ सहायक विषय चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2017, ठीक है जी। ये जो है एग्ज़ाम डेट 19 फरवरी 2019 को ये एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी के लिए ही आंसर की है और इसमें सभी क्वेश्चन जो है वो सही पाए गए हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन सही पाए गए हैं, यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को इन्होंने यहाँ पर इनवैलिड नहीं माना है। जो भी सही संशोधित आंसर की है वो आपके सामने अब आ चुकी है, आप इससे अपना मिलान कर सकते हैं। अब तीसरी आंसर की आपके सामने आ चुकी है। तीसरी आंसर की जो है वो किसकी है भाई? ये है सम्मिलित आंशुलिपि सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2016 और परीक्षा तिथि यहाँ पर इन्होंने दी है इसकी 10 मार्च 2019 को यह परीक्षा हुई थी। और इसमें भी आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन को इन्होंने बोर्ड ने माना है इनवैलिड, एक क्वेश्चन को इसमें भी इनवैलिड माना है। तो आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं और बोर्ड की वेबसाइट से अपने अपने पेपर की आंसर की, रिवाइज आंसर की डाउनलोड करके अपने अपने क्वेश्चन मिलाएं, अपने अपने क्वेश्चन मिलाएं और मिलाने के बाद आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं कि आपके इस रिवाइज आंसर की आने के बाद कितने क्वेश्चन सही बने हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और तैयारियों में बने रहें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।